अस्सलामुअलैकुम। तुम रेडियर दगा दे रो रे दुन दे तुम दाव को निजी निजी कम दुन दे गा नाख कारी नोर दुन देर ज्यादा तैयारा दाव रे दा दुन देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी इंट्रो मेरे भाई ने कर दिया था, मतलब भाई ने मुझे जो क्लिप सेंड किए थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। भाई गए थे गांव किसी ज़रूरी काम से, बस 4 दिन के लिए गए थे मेरे बहनोई के साथ। उनका काम हो गया, वापसी पे आते हुए भाई हमारे लिए जो है ना गांव की सौगात लेके आए, जैसे कि अखरोट हो गया और इस टाइप की बाकी भी बहुत सारी चीज़ें, अंजीर वगैरह। तो अब जो है ना ये पूरा पार्सल बना हुआ है बैग में। भाई के बस 2 ही सूट थे। टाइम मैं दिखा देती हूँ, रात का टाइम हो रहा है। ये हम बाद में ओपन करेंगे और हो सकता है फिर आप लोग साथ में शेयर कर लूँ। तो ये तो बस इसके बाद फिर हम लोग सो गए थे, रात का टाइम ही था। यहाँ नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है और मैं यहाँ पे चाय बना रही थी तो हमारा चूल्हा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ख़राब हो गया। वो आग जो है ना एकदम से भड़क उठी, मैं इतनी कोई डर गई थी। तो मैंने भाई से कहा आप आज आए हैं और आपके लिए ये काम तैयार है, कुछ भी ना करें लेकिन ये वाला काम आपने करना ही करना है। सबसे पहले जो है ना हमारा जो चूल्हा है वो चेंज कर दें, और इसमें छोटा सा एक नट लगता है बस उसकी ज़रूरत है, बाकी पाइप वगैरह सब कुछ ही घर पे मौजूद है। मैंने कहा ठीक है अभी चाय पिला दो, बाकी नाप खिलाओ, तो उसके बाद जो है ना मैं तुम्हारा वाला काम कर दूँगा। मैंने कहा था अम्मी रात में रोटी बनाऊँगी नए चूल्हे पर, अगर नया चूल्हा नहीं होगा मैं रोटी नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना सब बैठे हुए गपशप कर रहे हैं, चाय रेडी हो गई है तो मैं इन सबको चाय दे देती हूँ, खुद भी पी लेती हूँ। बस यही काम हमसे नहीं हो रहा था जिसकी वजह से एक महीने तक ये नहीं था। हाँ ना ये नहीं था, ये जो था ये भाई लेकर आया, इसके साथ ज्वाइन किए, अब ये लगा रहा है। और सारा मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया किचन। मेरी प्यारी बहन, बड़ी बड़ी काम करने वाली बहन बेचारी, मेरे बाद हमारे घर में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली। दादल और अब यहाँ पे नए चूल्हे पे जो है ना मैं रोटी बनाने लगी हूँ और बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा रिस्पॉन्स रहा। छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और ये चूल्हा जो है ना थोड़े बड़े साइज़ का था, हमारी स्लिप पे बड़ी ही मुश्किल से आ गया था, तो खैर कोई बात नहीं, फिर भी हमने एडजस्ट कर ही लिया। और ये रात का टाइम था, रात की रूटीन मैंने शेयर कर दी, छोटे छोटे क्लिप मैंने जमा कर दिए 3 दिन के, सोचा आप लोग साथ शेयर कर लूँगी। हमारा जो है ना वाईफाई ख़राब हो गया था तो वाईफाई आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी साथ साथ मैं जो है ना व्लॉग बनाई जा रही थी। बैकग्राउंड में थोड़ा शोर हो रहा है क्योंकि इस टाइम मैं अपनी सिस्टर के घर आई हुई हूँ और यहाँ पर भी मैंने व्लॉग बनाया, आगे चल के शेयर करती हूँ आप लोगों से। वॉइस ओवर जो है ना अभी कर रही हूँ। और ये फ्रीज़र में आटा रखा हुआ था, थोड़ी देर से जो है ना रूम टेम्परेचर पे रख लेती हूँ, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। यहाँ टाइम हो रहा है 10:30 का और मम्मी इस साइड पे ना पालक की कटिंग कर रही है, आज घर पे बन रही है। आलू पालक या चिकन पालक? अम्मा पालक गोश्त, पालक गोश्त बनेगा इंशाल्लाह। और इस तरफ जो है ना जोया ने अपने बर्तन उठा लिए धोने के लिए, कूलर जो है ना भरने के लिए आ गई है। और मैंने सुबह ही सुबह नाश्ता करने के बाद ना अपने आप आया, वॉश कर लिया था और जोया के लिए। तो ये बॉयल किया हुआ पानी है जो कि हमारे कूलर में डलता है। तो जी मशीन में लगा के फिर बैठ गई, ये मैंने अपने सूट उठा लिया है कटिंग के लिए। येलो और ब्लू कलर की डॉट वाली शर्ट है,
और ब्लू और येलो कलर डॉट वाला इसका ट्राउज़र है। हया का सूट मैंने स्टिच कर दिया, दिखाना ज़रा। ये इसका नेक है, लेस लगा ली है और दामन पे आस्तीन पे लगा ली है। और ये इसका ट्राउज़र है वाइट, इस पर उसके पोंचों पे लगा ली। तो ये सूट रहा हया का, और बस बस गला सारा तुमने छुपा दिया। खैर, और इसका दामन दिखाना, दामन पे भी लगाए। अब जैसे कि मैंने अपना सूट ये उठा लिए इस साइज़ पे जो है ना, मैं हाँ अच्छा लगा। इसके साथ भी लेस है, वो तो मैंने दिखाई दिया। मैं इसकी जल्दी से कटिंग कर देती हूँ, झटपट से फिर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हया का सूट तो मैंने आप लोग को दिखा दिया था, और अब जो है ना फिर मैं गई शावर लेने के लिए, रेडी हो गई। और अब जो है ना मैंने यहाँ पे अपना सूट भी स्टिच कर दिया है। ये मेरा ट्राउज़र है, इसके भी मैंने लेस लगाई है, और ये इसकी शर्ट है। और इस बार जो है ना मैंने सोचा चले मैं भी हया जैसा ही नेक बना लेती हूँ, क्योंकि हमेशा मैं गोल गला ही बनाती हूँ, वो भी सिंपल, कोई लेस वेस नहीं लगाती। इस बार मैंने लेस ज़्यादा भी ली थी ना, तो ये मेरी शर्ट है। ये देखें कैसे लग रहा है, ये नेक है, और ये इसके स्लिप है। जैसे कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो जो है ना मैं नॉर्मल रखती हूँ, फिटिंग विटिंग वाले नहीं रखती। ये शिफॉन इसमें रख लिए। अच्छा, ये भी मेरा नया ड्रेस है, ये मैंने आप लोग को दिखाया नहीं, बस पहन लिया था। और ये इसका दामन है, चौक जो है ना इसके सिंपल से। ये क्या है? ये इसका ट्राउजर है ना, ये क्या है? आई खेटा ना, खेटा ना तक ना चू लिखन जी जी वो। अच्छा जी, ये हो गया मेरा भी सूट। बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है मेरा सूट। और अब जो है ना जोया का सूट में कल इंशाल्लाह स्टिच करूँगी, और अम्मी का भी, फिर वो आपको दूसरे व्लॉग में दिखाऊँगी। तो जी, अब यहाँ पे जो है ना शाम का टाइम है, तो मैंने वीडियो तो नहीं बना ली, थोड़े से मैंने क्लिप ही रख लिए थे। हम अपनी कज़न के घर आए हुए, कज़न की पूरी फैमिली उमरा करके आई है, तो इनके घर जो है ना दावत थी, तो उमरे से पानी लाए थे, खजूरें लाए थे, और दावत में उन्होंने बिरयानी खिलाई। तो हमारी आप ही के घर पर जॉइंट फैमिली है, जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो जो है ना हम आप ही के घर ही आए हुए थे, और जो नीचे वाले पोर्शन में हमारी कज़ने हैं, उन्होंने उमरा किया था विद फैमिली। माशाल्लाह से अल्लाह पाक हमें भी नसीब करे उमरा करना, आमीन सुम आमीन। तो रात हम इन्हीं के घर पे रुक गए थे, क्योंकि कल सुबह हमें यहीं से कहीं और जाना था। तो मैं आई हूँ, अम्मी आई है, मेरी बेबी है, और साथ में हया आई है। जोया रुक गई है घर पे, क्योंकि अबू की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो एक बंदे को घर पर रुकना ज़रूरी था ना, तो जोया ने कहा मैं नहीं जा रही। तो खैर, यहाँ पर रात हम लोग सो गए थे। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाती है। टीवी लाउंज में हम लोग सोए हुए थे, बच्चे आ गए हमें जगाने के लिए, और बच्चों है ना सामने किचन में खड़े होकर हमारे लिए नाश्ता बना रही है। रात को मैंने ब्लैक सूट पहना हुआ था, फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाई वीडियो। हाँ, टिकटॉक बनाई थी मैंने, तो बाकी जो है ना ये ब्लैक सूट था, तैयार शायर हुई थी अच्छे से, जल्दी जल्दी में तैयार होकर हम लोग आ गए थे ना, क्योंकि मेरा इरादा नहीं था आने का। फिर जो है ना जोया नहीं आ रही थी, तो फिर मैं ही आ गई। और यहाँ पर ये व्यू मुझे बहुत पसंद है, चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, तो यहाँ की मैं वीडियो बना लिया करती हूँ। अब यहाँ पे आवाज़ें दी जा रही है कि आ जाओ नाश्ता कर लो, तो मैं जो है ना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और मुजम्मिल बैठ के वेट कर रहा है। तो मेरी बहनों की जो बच्चे हैं ना, इनको बाहर होटल के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सिस्टर ने फिर हमारे लिए भी होटल के पराठे मंगवा लिए, एक बना लिया है, चाय बना ली है। तो हम बैठ के अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बच्चों को हमने अपने साथ ही बिठा दिया है, और सिस्टर जो है ना वो अपने बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ खुद ही नाश्ता करेगी, और जो बड़ी आपी है इनके बच्चे हमारे साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। और खुद ही जो है ना मेरी बड़ी आपी ने और अम्मी ने सुबह ही नाश्ता कर लिया था। अम्मी अभी सामने बैठी हुई, अम्मी को हम बुला रहे थे कहा कि हमारे साथ भी नाश्ता कर लें। नाश्ता हमने कर लिया है, और अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए, तो हमें कहीं जाना है, किधर जाना है ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और उमरे से हमें लेके आए गिफ्ट्स लेकर आए हैं, वो भी दिखाऊंगी, लेकिन वो भी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लॉन्ग हो रही है वीडियो। वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है, ऐसा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जब तक के लिए
ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।